light shines in the darkness, and the darkness has not overcome. There was a man sent from God whose name was John. प्यार इतना ऐसे अलग आज का क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। वैसे हमारे जैसे मैंने अभी दूसरे लोगों से भी कहा कि हमारा सेलिब्रेशन हमने तीन दुआओं में बांटा हुआ था, तो तीन बार हमारी दुआएं चढ़ाई गई और इन तीनों बार हमने हमारे पूरा समुदाय को अलग अलग तरीके से बुलाया था। आज भी आपने देखा होगा कि करीब करीब 30-40 लोग यहाँ इकट्ठे थे, तो बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि ये ईश्वर का अपने ज़िंदगी का आने का दिन है, तो ये हमेशा खुशी का माहौल रहा है और माहौल रहेगा, और इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होके यहाँ बहुत खुशी से हमने इस दुआ को चढ़ाया और प्रार्थना की अमन और शांति के लिए और ख़ासकर कश्मीर के हर एक लोगों के लिए। मेरा मैसेज यही होगा क्रिसमस के दिन, खासकर इस कोरोना के चलते, कि हर एक इंसान अपना हौसला गवाए नहीं, हौसला बनाए रखे। मुझे लगता है अगर कुछ परेशानी हमारे सामने ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा है हमारे ईश्वर का हमारे साथ होना, खुदा का हमारे साथ होना। खुदा हमारे साथ है। अगर खुदा हमारे साथ है तो ये जो बीमारी है, ये जो परेशानी है, ये जो हमारे सामने जो कठिनाई है, उसके ऊपर हम ज़रूर मात करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी आगे जी पाएंगे। अभी जो प्रेवलेंट सर्कमस्टेंसेज है, तो उसकी वजह से हम जैसा कि सेलिब्रेट करते हैं हर साल, तो वैसा तो नहीं हो पाया, बट फिर भी जितना भी हमने किया, हमने मन से किया। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बात कहूँगा यही कि हमने दुआओं के वसीले से यही दुआ किया खुदा से कि जल्द से जल्द ये जो वबा है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो, क्योंकि अभी तक तो लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। लोग मतलब ताश के पत्तों की तरह लोगों की जानें गिर रही हैं, तो ये बहुत ही मतलब ख़राब चीज़ लगती है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि कश्मीर में भी अमन शांति हो। क्रिसमस का भी यही मतलब है, हर जगह पीस होना चाहिए। जो हमारे जो पैरिशनर्स हैं, मतलब जो चर्च के मेंबर्स हैं, वो तो ऑलमोस्ट 50+ फैमिलीज़ हैं, बट इस बार ज़्यादा जो लोग थे उनको नहीं बुलाया गया, बट जो क्वायर था, जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको बुलाया गया, प्लस टूरिस्ट जो थे यहाँ पे उनको सिर्फ बुलाया गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस वी हैड टू टेक सच मेजर्स, तो इसलिए बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पे आज। लेट आई एम, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी और एक चर्च भी जाना है, बहुत मज़ा आने वाला है, बट यहाँ पे हम लेट आए बिकॉज ट्रैफिक एंड ऑल, उसकी वजह से लेट हो गया, तो वी मिस द सर्मनी वट एवर मास जो था, वी मिस्ड इट। बहुत बुरा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम वील मेक श्योर कि हम लोग टाइम पे आए। दुआ यही है कि जो भी मेरे जिनको मैं प्यार करती हूँ वो सब हैप्पी रहे, उनकी लाइफ पीसफुल हो। दैट्स इट। मैसेज यही है कि सब लोग भाईचारे से रहे। इतना अच्छा फेस्टिवल है, आई थिंक एवरी वन शुड सेलिब्रेट, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, और आगे जाके जो भी हम लोगों ने गलतियाँ की हैं वो ना दोहराएं, बिकॉज नया साल भी आने वाला है। आई विश कि पीसफुल हो सारी, ये क्रिसमस हमारे लिए यू नो पीस लेके आए, वैली के लिए और फॉर एवरीबडी।